ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावण्यपुरोगमास कात्यायनीं दुष्टभुरेश्च लाभत् विकासि वक्त्राब्ज विकासि दासः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपा स्थितयातयेत दाप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवीजकिरणन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भुविमूर्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदः श्रियः समस्ताः सकलायगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयेत कादेशदेशाभ्यपरा परोक्तिः सर्वभूताय यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनि त्वं सुता सुता वा भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदे स्वर्गापवर्गते देवि नारायणी नमोऽस्तुते कलाकाशादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सृष्टिदेवि नाशाना जगद्भूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणी नमोऽस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्य ब्रह्माणीरोपधारिणि कौशाम्बाजरिके देवि नारायणी नमोऽस्तुते त्रिशूलदन्ताहृदये महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरगुगुणभृते महाशक्तिधरे नवे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्र गदाचार गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दशोधृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण अन्तो दैत्याङ्कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते गिरीटिणि महावज्रे सहस्रनयनोद्गले वृत्रप्राणहरे चेन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महाराजे नारायणि नमोऽस्तुते दर्शाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मण्डवदने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे वशे स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते भेदे सरस्वतीवरे भूतिभाभ्रविलामसि नियते त्वं प्रतिलेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभीषारिणो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते एतत्तेवलं सौम्य लोचनात्रयभोजन पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युवरमलेशासुरलोधन त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाले नमोऽस्तुते हिनश्रीदैत्यतेजांसि त्वनेनापूरिया जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुधारिव असुरा दृग्वदापङ्कजिरस्ते करो ज्वलः शुभाय गर्भो भवतु चण्डिके त्वामृताभय रोगान् शेषान् दुष्टा हृष्टात् कामान् सकलान् देशान् त्वमाश्रितानां हरिपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कदनां तयाद्य धर्मद्विशान्ते विमहासुराणां रूपे अनेके बहुधात्मोते कृत्वाम्बिकेतत्प्रकरोति कान्या विद्या सुशास्त्रेषु विवेकदीपे
स्वर्गेषु भर्गेषु जगादन्या महात्वघरतेति महान्धकारे दिव्याम यज्ञे तदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशासनागा यत्रारयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र दधाब्धि मध्ये तत्र सिदात्वं परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिभासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालय नोर्धृते नित्यं यथा सुरभधा ततो नैव सत्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पात पाकजनिताश्च मोपसर्गान् प्रणदानां प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामि ये लोकानां वरदा भव दिव्यो वाच वरदाहन्तुरगणा वरं यन्मनसे सदा त्वं ऋणत्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारक देवा ऊर्जुः सर्वावाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् दिव्यो वाच नैव स्वतेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशति मे युगे शुम्भो निशम्भश्चैवान्यभुत्पत्स्येते महादुरो नन्दगोप गृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हयिष्यामि विप्रचित्ता सुदानवान् भक्षयन्त्याशदानुग्रा विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दानि भीकुसमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः सुमन्तो व्याहरिष्यन्ति सततां रक्तदन्तिका भूयश्च शतभाष्यज्ञा मना भ्रष्ट्या मनं भजे मुनिभिः संसुधा भौम सम्भविष्यादयो निजा ततः शनेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन् मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः सदा क्षेमिति मातुलः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुरः शाके रामेश्वे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिम् तदा यास्यामिहम् भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गभाग्यम् महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षासि भक्षयिष्यामि मुनीनाम् प्राणकारणात् तदा मामुनयः सर्वे दोषत्राणम् प्रबोधयः भीमादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति धारणाख्यस्त्रैलोके महाबाधाम् करिष्यति तदाहम् रामरम् रूपम् कृत्वा सङ्गे जलपदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च माम् लोका सदा शोचन्ति सर्वतः इत्थम् यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वदीर्याहम् करिष्याम्यरि संशयाम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस देवघर के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। धन्य
लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी ने मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माया के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरण भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। धन हम सकलाम्बाधा नाशयिष्यामि महापूजा क्रियते वार्षिके तस्याहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यादुदामितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन् माहात्म्यं तथा ज्योत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान् हिमवः संशयं याति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते जाकुलं बुद्ध्वा माहात्म्यं मम शृण्वता शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रह पीडासु जोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं याति ग्रह पीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निवेदयिष्यामि दुःस्वप्नमुपजायते भारग्रहाभिभूतानां बालानां चान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनृणां मैत्रीकरणमुत्तम दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यलोपे च गन्धदीपे सदोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीये दहनिजम् अन्ये च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सदृशोचरिते श्रुते श्रुतमरति पापाणि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनाङ्गेतनं मम युद्धे योजयितं यन्मे दुष्टरीत्यनिवर्हणम् तस्मै श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः श्रुतयो याच याच ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा जागदासासु प्रयच्छन्ति शुभामदे अरण्ये भ्रान्तदेवापि धावाग्नि परिवारितः दस्यभिर्वाभिधाजोन्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा भने वामनः श्रुभिः राज्ञा बुद्धेन जागृतो भद्रो भङ्गः गतोऽपि वा
आघूर्णितो वा बाधेन चिदा भोधे महानवे पदसोजा विषस्तेजो सङ्ग्रामेकजदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाग्रतिलो विवा स्मरर्ममे तर्जनित करो मुञ्चेत सङ्कटात् मम प्रभाव जङ्घाच तस्य भोगैरिणः सदा दूरादेव बलायन्ते स्मर सरितं मम ऋषदवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागपुरासर्गे जगद्विध्वंसिने तस्मिन् महोग्रेदुर्विक्रमे विलम्बे च महावीर्ये शेषः पादालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय गुरुदेवोप जगतः परिपालन तयेतन्मोय देवेश्वं देव विश्वं प्रदूयते सा याचिता च विज्ञानं दुष्टारिद्र्यं प्रयच्छति व्याप्तं तयेतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सैव दृष्टे भवत्यजा स्त्रीं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां देव लक्ष्मीर्वृद्धे प्रदाते सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्बोधिता पुष्पे गोपगन्धादिविश्वदा ददाति वित्तं पुत्रां च मलिं धर्मे गतिं शुभा कुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तम येन मन्त्र प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यः न सूक्तं नापि ध्यानं च न्यासो न च वाचनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठबलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो नीलिम पार्वती मारणं मोहनं वश्यं सम्भनोच्चारणादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ॐ ग्लौं हुं क्लीं यौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ज्वल हंसं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुवर्णिनि नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिषासिनि नमस्ते जुम्भहन्त्रे च निजुम्भा दुर्गादिनि जागृतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारि दृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारि प्रतिपालिका ह्रीङ्कारि कामरूपिण्ये द्विजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डखादी च यैकारी वरदायिनि विच्चे चावयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि ध्वां धी ध्रुं ध्रुजले पद्मे ध्वां भीं भूपागतेश्वरि ध्वां क्रीं क्रों कालिका देवी श्वां श्रीं श्रूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्ये जं 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 भनादिनि ह्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवान्येते नमो नमः हं कं जं तं तं पं यं जं बिन्दुं ऐं भीं हं जं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय धीतं गुरु गुरु स्वाहा भां भीं ॐ पार्वते पूर्णा भां भीं गोगे चरे तथा सां श्रीं सों सप्तदेव्य मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजाघर्ति हे लवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपिदं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तजतिं पठे न तस्य जायते सिद्धे करन्ये रोदनं यथा अथ दुर्गया भक्तानाश्च नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी काली दुर्गे
नमस्ते महायोगी विज्ञान रूपे नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्रयी दुर्गे नमस्ते दीनस्य दृशनागुरस्य व्यासस्य वेदस्य भक्तस्य यन्तो नमस्ते सागरे भागधामे हवाजा स्वामी का गदिर देवे निसारनगा नमस्ते जगत्तारिणी नाही दुर्गे नमस्ते निकेतन दुर्दंड नीला समलगंध दागंध लाशे चलतो स्वामी का श्री भगवती स्तोत्र जय भगवती देवी।
क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद्वोचितं मया देवे परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध जदं कृत्वा जगदम्बेति चोचरे जागृति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः पुरा सापराधोऽस्मि जय प्राप्तस्तां जगदम्बिके शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्त जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्व स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट सबके दुख सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबके अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा ही सब समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ भगवती माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती पवित्र वेला में इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में भक्तजन इस माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के करवत माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में, आपकी भक्ति में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना।
हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि न रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, सर्वदा हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखना, ऐसी हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना कि माँ आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपका ध्यान, आपका स्मरण, आपके नाम का जप करते हुए हमारा जीवन भीति और हम परम कल्याण को प्राप्त हो सके। वास्तव में जब भगवती जब प्रसन्न होती हैं तो उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा देवी की पूर्ण कृपा बनी रहती है, और जो ही भक्तजन सदा सर्वदा अपना मंगल चाहते हैं, अपना शुभ चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा शुभ चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करनी चाहिए। जब साधक माँ की भक्ति करता है तो साधक शक्ति संपन्न होता है, और जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। शक्तिहीन व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। तो शक्तिहीन व्यक्ति के कोई भी कार्य सफल नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। तो उन समस्त शक्तियों को देने वाली यही माँ भगवती है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमस्ते। के नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, इसलिए इसकी आराधना करने से मनुष्य के जीवन में सदा सर्वदा मंगले मंगल होता है। और कल्याण दायिनी आप सेवा हो, माँ आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याण दायिनी सेवा हो, सब पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले शनौसलाते नेत्र वाले एवं गोरी हो। इसलिए इस देवी की आराधना जे परम सिद्धि को देने वाली है। समस्त देवगण ब्रह्मा विष्णु महेश देवता ऋषि मुनि संत महात्मा जोगी महाजोगी सभी इसी भगवती शक्ति की उपासना करते हैं, और देवी की कृपा से वह शक्ति संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। महर्षि अगस्त्य जी बड़े तपस्वी ऋषि हुए हैं, जिन्होंने तप कर करके अनेक सिद्धियां प्राप्त किए हैं, ये शक्ति के उपासक थे। कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य मित्र वरुण के तेज से घड़े से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अनेक बार विश्व को बचाया है, अनेक बार विश्व को नष्ट होते हुए इन्होंने विश्व की रक्षा की है, विश्व को बचाया है। कहते हैं कि एक बार काल के नाम के देवते थे, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया संपूर्ण विश्व को नष्ट करने का, ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया। और फिर विचार किया कि सोचा कि विश्व की रक्षा तपस्या से होती है, तब से होती है विश्व की रक्षा, इसलिए तपस्या को ही नष्ट किया जाए। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए समुद्र में डेरा डाल लिया। वह दिन में समुद्र में छिप जाते और रात्रि को जत्र तत्र जहां भी ऋषि मुनि संत महात्मा जोगी महाजोगी तब करते वहां पर उन सबको खा जाते। ऐसा करते करते आपको थोड़े ही समय में एक पृथ्वी पर कंगाली कंगाल दिखने लगे। अब यज्ञ जो है बंद हुए, तब बंद हुआ, तब देवगण घबराए और सभी घबरा करके भगवान विष्णु की शरण में गए, और वहां जाकर उनसे कहा महाराज यदि ऐसा होता रहे तो हम तो समाप्त हो जाएंगे, देवते हम पर आक्रमण कर देंगे और हम पराजित हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं की शक्ति तप है। ये यज्ञ ये अनुष्ठान जो आप करते हैं तो इससे जो है देव पुष्ट होते हैं, यज्ञ करते हैं तो इससे देव पुष्ट होते हैं। तब जो है भगवान विष्णु ने कहा कि आप अगस्त्य ऋषि के पास जाओ, वही समुद्र को सुखा सकते हैं और आपके जो शत्रु जो हैं जी मारे जाएंगे, इसलिए आप उनके पास जाइए। तब सब देवगण अगस्त्य ऋषि के पास गए और जाकर उनसे प्रार्थना की। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को सुखा दिया, कैसे समुद्र को ही पी लिया, इतने शक्तिशाली थे अगस्त्य ऋषि। अब जो दैत्य जो थे वह
अब सामने आ गए और देवतों के साथ युद्ध किया और सबको समाप्त कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अगस्त्य ऋषि विश्व के हित के लिए सदा तैयार रहते हैं। उन्होंने इस प्रकार से उस समय समुद्र को सुखा करके देवताओं की रक्षा की, विश्व को बचाया। इन्होंने अपना एक अनुभव बतलाया है जिससे भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे। तो वनवास काल में भगवान श्री राम जब अगस्त्य ऋषि के पास गए तो वहां पर उन्होंने बड़ा उनका आदर सत्कार किया और वहीं जब उनकी वार्तालाप हो रही थी तब उन्होंने अपना ये अनुमत बुलाया कि इस पृथ्वी लोक में बिना कुछ दान किए ऊपर के लोक में भोजन की प्राप्ति नहीं होती। वह कहते हैं कि एक बार मैं भ्रमण करते करते वन में चला गया और वन में एक बहुत बड़ा सरोवर देखा और उसी के किनारे एक जीर्ण शीर्ण हुआ एक आश्रम था, घास की कुटिया थी। तब मेरी दृष्टि सरोवर के बीच में गई तो एक शव उसमें तैर रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वन में जहां पर कौन तप करता होगा इस कुटिया में, और फिर जो शव जो जे तैर रहा है ये किसका है। इतने मैंने ऊपर की ओर देखा आकाश की ओर तो एक दिव्य विमान नीचे की ओर आ रहा था। मैं नीचे उसी सरोवर के किनारे उतरा, उसमें से एक दिव्य पुरुष बाहर आया। देखने में बस साक्षात कोई देवता लग रहा था, कोई देव था। मैं उसके किनारे आया, आकर के सरोवर में उसने स्नान किया, फिर आगे चल करके उसी शव को जो उसमें तैर रहा था उस शव को मैं खाने लगा। महाराज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखने में जो तो देवता लगता है और इतना निकृष्ट भोजन जो कर रहा है ये सब क्या है। तब अतृप्त होकर के बाहर आया तो मैंने उससे पूछा, महाराज आप देखने में तो देवता लगते हैं परंतु इतना निकृष्ट भोजन जी जो आप कर रहे हैं ये सब क्या है। तब जो है उसने कहा, महाराज मैं मगध देश का राजा था, राज्य करते करते मुझे वैराग्य हुआ, मैंने अपने राज्य का त्याग किया और जी जो आप देख रहे हैं इस सरोवर के किनारे जे घास के कुटिया जहीं पर रह करके मैंने बड़ी कठिन तपस्या की, तप किया और तप करने पर मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। ब्रह्मलोक में जब मुझे प्राप्त हुई सब प्रकार सुख प्राप्त हुए परंतु मुझे भोजन नहीं मिला। सब कुछ था परंतु मुझे भोजन नहीं मिला। मैं भूख के मारे तिल मिला उठा तब मैंने ब्रह्म देव से कहा, महाराज मुझे भोजन क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तब ब्रह्मा ने कहा कि नीचे के लोक में बिना दान किए बिना किसी को खिलाए
इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी विराजमान हैं, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। ये तीन रूप है, मूल जड़ से एक ही पिंडी है, क्योंकि आदि शक्ति एक है, अजन्मा ही नित स्वरूप है और संपूर्ण जग इन्हीं का रूप है। और यही एक मां का दरबार जहां पर भगवती आदि शक्ति एक साथ तीन शक्ति का विराजमान है, और इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। आप जो भी शक्ति पीठ है, जितने 51 शक्ति पीठों में से आप कहीं भी शक्ति पीठ पर चले जाइए, एक एक शक्ति के दर्शन हैं। परंतु जहां पर जब मां वैष्णो देवी का दरबार, जहां पर एक साथ भगवती आदि शक्ति तीन शक्ति का विराजमान है, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, शरीर तंदुरुस्त हो, निरोगी हो, मां लक्ष्मी की कृपा हो और मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, तो कभी जीवन में कोई विघ्न बाधा आ नहीं सकती। क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, बुद्धि भी ठीक से काम करे, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद ही बना रहे और भगवती महाकाली जो शक्ति प्रदान करती है, शत्रु विजय दिलाती है, सब कष्टों को दुखों को दूर करती है, इसी प्रकार से इन तीनों मातों की आराधना जो भक्तजन करते हैं, निश्चित रूप से वह साधक जन परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो मां भगवती की आराधना, दुर्गा सरस्वती के द्वारा मां की जो साधना करते हैं, पाठ करते हैं, तो इन तीनों शक्तियों की उपासना दुर्गा सरस्वती बदलाएगी। इसमें जो बीज मंत्र, नवान मंत्र है, जिसके 9 अक्षर हैं, नव दुर्गा पर कीर्तित है और 9 ही देवी हैं, जिनके विशेष करके नवरात्रों में 9 दिन विशेष पूजा आराधना अर्चना करके मां की कृपा प्राप्त करते हैं। क्योंकि मां के जो 9 दिन होते हैं नवरात्र की, वे शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय दिन होते हैं, शक्ति अर्जित करने के दिन होते हैं। तो जी नवान मंत्र जिसके 9 अक्षर हैं, 9 ही देवी हैं, 9 ही मां के स्वरूप हैं, 9 ही नवरात्र हैं, इसलिए 9 की संख्या का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि 9 से ऊपर कोई संख्या होती नहीं। इसलिए जे 9 संख्या का मंत्र आपके सामने, नवान मंत्र इस गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षरों लिखा गया है, जो परम सिद्धि को देने वाला है, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को, स्वस्थ बाधाओं को दूर करने वाला जे महामंत्र है। इस मंत्र को जो भक्तजन इसे साक्षात देवी का स्वरूप मानकर, क्योंकि जी मां का ही रूप है, इस मंत्र को देवी का ही रूप मान करके जो भक्तजन अपने से इसे अपने हृदय में ध्यान कर करके निज पूर्वक प्रातःकाल सायंकाल मां की जोज गा के मंत्र का जाप करते हैं, निश्चय रूप से तीनों मातों की उन पर कृपा बनी रहती है, इन तीनों शक्तियों को उन्हें प्राप्ति होती है। तो आप सभी अपना ध्यान मां के चरणों ले जाइए और मां भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए इस मां भगवती के मंत्र का मिल करके जाप करेंगे। सभी मां के जयकारा बोलते हुए मिल करके हमारे साथ इस मंत्र का जाप करेंगे। जयकारा शेरा मालिदा बोल रचे दरबार की जय। ये मंत्र माता मुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है, हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है।
शक्ति है पत्थर पानी में तरते हैं।
सच्ची है पर परवानी में करते हैं। ओ नाम दीवानी मीरा रानी पी गई थी विष का प्याला। नाम दीवानी मीरा रानी पी गई थी विष का प्याला। ओ नाम दीवानी मीरा रानी पी गई थी विष का प्याला। नाम दीवानी मीरा रानी पी गई थी विष का प्याला। ओ नाम कुमारी ने भानु को जग में अमर कर डाला था। नाम कुमारी ने भानु को जग में अमर कर डाला था। नाम कुमारी ने भानु को जग में अमर कर डाला था। नाम कुमारी ने भानु को जग में अमर कर डाला था। हो जैसे दवा पियो रोग मिटाने के लिए, जैसे दवा पियो रोग मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए, जैसे दवा जो रोग मिटाने के लिए, वैसे नाम जपो, वैसे नाम जपो, वैसे नाम जपो मैया कोरी जाने के लिए, नाम जपो मैया कोरी जाने के लिए, जैसे नाम जपो मैया कोरी जाने के लिए, नाम जपो मैया कोरी जाने जपो माँ से सुख पाने के लिए, वैसे नाम जपो माँ से सुख पाने के लिए, वैसे नाम जपो मैया कोरी जाने के लिए, वैसे नाम जपो मैया कोरी जाने के लिए। वो नाम जपा प्रहलाद ने तो नरसिंह का अवतार हुआ। नाम जपा प्रहलाद ने तो नरसिंह का अवतार हुआ। नाम जपा प्रहलाद ने तो नरसिंह का अवतार हुआ। नाम प्रहलाद ने तो नरसिंह का अवतार हुआ। प्रभु के हाथों पापी हिरणा कश्यप का उद्धार हुआ। प्रभु के हाथों पापी हिरणा कश्यप का उद्धार हुआ। प्रभु के हाथों पापी हिरणा कश्यप का उद्धार हुआ। प्रभु के हाथों पापी हिरणा कश्यप का उद्धार हुआ। वो नाम के खातिर भूभ भगत ने सब सुखों को छोड़ा था। नाम के खातिर भूभ भगत ने सब सुखों को छोड़ा था। वो नाम के खातिर भूभ भगत ने सब सुखों को छोड़ा था। नाम के खातिर भूभ भगत ने सब सुखों को छोड़ा था। हुआ दीवाना प्रभु नाम का हरि से नाता जोड़ा था। हुआ दीवाना प्रभु नाम का हरि से नाता जोड़ा था। हुआ दीवाना प्रभु नाम का हरि से नाता जोड़ा था। हुआ दीवाना प्रभु नाम का हरि से नाता जोड़ा था। वो जैसे जिंदगी है हंसने हंसाने के लिए, जैसे जिंदगी है हंसने हंसाने के लिए, वो जैसे जिंदगी है हंसने हंसाने के लिए, जिंदगी है हंसने हंसाने के लिए, वैसे नाम जपो, वैसे नाम जपो, वैसे नाम जपो मैया कोरी जाने के लिए, 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 वैसे नाम जपो मैया कोरी जाने के लिए। वहाँ नाम जपो जी नाम जपो जगदम्बे का नाम जपो। नाम जपो जी नाम जपो जगदम्बे का नाम जपो। नाम जपो सुखकर्णी का नाम जपो सुखहरणी का नाम जपो सुखकर्णी का नाम जपो सुखहरणी का। नाम जपा था धन्य भगत ने शालिग्राम को पूजा था। नाम जपा था धन्य भगत ने शालिग्राम को पूजा था। नाम जपा था धन्य भगत ने शालिग्राम को पूजा था। नाम जपा था धन्य भगत ने शालिग्राम को पूजा था। उसके जैसा नाम दीवाना और न कोई दूजा था। उसके जैसा नाम दीवाना और न कोई दूजा था। उसके जैसा नाम दीवाना और न कोई दूजा था। उसके जैसा नाम दीवाना और न कोई दूजा था। तुम भी चंचल जय माँ करके जीवन सफल बना लो। तुम भी चंचल जय माँ करके जीवन सफल बना लो। तुम भी चंचल जय माँ करके जीवन सफल बना लो।
शक्ति से मैया को अपने सन्मुख पालो, नाम की शक्ति से मैया को अपने सन्मुख पालो, नाम की शक्ति से मैया को अपने सन्मुख पालो, नाम की शक्ति से मैया को अपने सन्मुख पालो। हो जैसे पानी पियो प्यास बुझाने के लिए, जैसे पानी पियो प्यास बुझाने के लिए, हो जैसे पानी पियो प्यास बुझाने के लिए, पानी पियो प्यास बुझाने के लिए, वैसे नाम जपो, वैसे नाम जपो, वैसे नाम जपो मैया को रिझाने के लिए, 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 वैसे नाम जपो माँ से सुख पाने के लिए, वैसे नाम जपो माँ से सुख पाने के लिए, नाम जपो जी नाम जपो जगदम्बे का नाम जपो, नाम जपो जी नाम जपो जगदम्बे का नाम जपो, नाम जपो सुख करनी का नाम जपो दुख हरनी का नाम जपो, मिटाने के लिए जैसे रोटी खाओ भूख मिटाने के लिए, हो जैसे रोटी खाओ भूख मिटाने के लिए, जैसे रोटी खाओ भूख मिटाने के लिए, वैसे नाम जपो, वैसे नाम जपो, वैसे नाम जपो मैया को रिझाने के लिए, 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 हाँ जैसे नाम जपो मैया को रिझाने के लिए, वैसे नाम जपो मैया को रिझाने के लिए, हाँ वैसे नाम जपो माँ से सुख पाने के लिए, वैसे नाम जपो माँ से सुख पाने के लिए, हाँ वैसे नाम जपो मैया को रिझाने के लिए, वैसे नाम जपो मैया को रिझाने, सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरी वैष्णो मैयदा, बोल सच्चे दरबार की जय। मूरत चो आके कह दे मां मेला तेरा लाल तेरा तू मामे मूरत चो आके कह दे मामे लाल तेरा तू मामे, मूरत चो आके कह दे मामे लाल तेरा तू मामे, मूरत चो आके कह दे मामे लाल तेरा तू मामे, मूरत चो आके कह दे मामे लाल तेरा तू मामे, सुना दे माए लाल मेरा मैं माए दी, बोल के सबन सुना दे माए लाल मेरा मैं माए दी, बोल के सबन सुना दे माए लाल मेरा मैं माए दी, बोल के सबन सुना दे माए लाल मेरा मैं माए दी, रख लाज तो आके कह दे माए लाल मेरा मैं माए,
ਜਗ ਲਾਜ ਤੁਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਜਗ ਤਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਜੀ ਜਗ ਲਾਜ ਤੁਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਮੂਰਤ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਮੇ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤਰਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਲਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਦਿਲਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਲ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਏ ਮੂਰਤ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਤੀ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਭੋਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭੋਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਮੇ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਮੇ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਮੇ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਦ ਆਉਣਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਦ ਵੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰਨ ਚਾਚੜ ਜਾਵੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੜ ਜਾਵੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੜ ਜਾਵੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਦ ਵੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰਨ ਚਾਚੜ ਜਾਵੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੜ ਜਾਵੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੜ ਜਾਵੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਏ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਏ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਮੇ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਬੀ ਭਜੂ ਪਸਤ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਜਗ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਦਾਤੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ
दस करे केड़ा ओ मेरिया सब जरूरत पूरियां नू लोकी वेख दे ऐब गुना मेरे मैं ता तक दा रहमत तेरियां नू मैं ता तक दा रहमत तेरियां नू जय जय मां जय जय मां जय जय मां रहो जय जय मां 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 जय जय Oh,
हो जाइए बाला माला
मावा
उंगली फड़ के चलना माँ सिखाउंदी, उंगली फड़ के चलना माँ सिखाउंदी, उंगली फड़ के चलना माँ सिखाउंदी। हो माँ ठंडिया मिठिया, ठंडिया मिठिया, ठंडिया मिठिया नहीं छा लभदिया ने। ਵਾਟ ਮਾਵਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ।
ਸਤਾਉ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਤਾਉ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਤਾਉ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਚਲੋ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਾਉ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਤਾਉ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਤਕੁੰਡਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੰਪਾਸੀ ਆਪ ਭਗਜਨ ਕੋ इस सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं जो भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ वैष्णो देवी की इसी तरह से भक्तों की कृपा बढ़ी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। आर्थिक पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतति भान भव श्रीमान जसस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूर भूत करण दान कनिष्ठ भव तेजस्वी भव
दर्भदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर भवपाद भोजन रता सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धि नाशस्त मित्रानाम देशस्त शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात शवमानम हियते धनम धान्यम पशुम बहु सुख लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमाजः अस्तु दीर्घमाजः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से परिपूर्ण करें, सर्वत्र आप सबका शुभ करें, मंगल करें। अभी माँ की आरती होगी, सही भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सम्मिलित होंगे, ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे करे मैया जय जामा गोरे Thank you.
पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती गणेंद्र जी और मां से प्रार्थना कीजिए। मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबका सबकी अंग संरक्षा करें। जय माता दी। कल्याणी कल्याण मैं आठ पैर चौसठ घड़ी जो चरणा का ध्यान लक्ष्मी सरोजस्ता घंटा शूलहला निशा
समुसरी चक्रम तनु सायक हस्ताघ्रिर्ननेत्रकान्त विदस शीतांशु तुल्य प्रभा गौरी देह समद्भवां त्रियुगतां आधार भूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुवजे शुंभादि दिव्यादिने माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगन्नाथं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदां भजनं वासुदेवं हरिं शीतलं माधवं भटिकाभजवं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे हरे मुरारे भजे नभारे गोविंद गोपाल माखन किशोरे ज्ञानं भजे ही शरणं भजे ही विद्या भजे ही भगवन् नमोस्तुते माता तेरी सलाहि माता तेरी सलाहि माता तेरी सलाहि सारी शांति देने वाली माता तेरी सलाहि सच्चे दरबार की धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का विनाश धर्म का विनाश धर्म का विनाश प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत वर्ष महान हो भारत वर्ष महान हो भारत वर्ष महान हो हर 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 महादेव गुरु बाबा श्री हरि जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जनों को मातरम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा श्री रामा जी दया हो सके हमारी जय।